स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम इंग्लिश लिटरेचर के एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि जॉन मिल्टन के कुछ इम्पॉर्टेंट वर्क के कोटेशंस को देख लेते हैं और उनके पोएम्स के कुछ लाइन को भी देखते हैं जो ज़्यादातर एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। गॉड डथ नॉट नीड आइदर मैंस वर्क और हिज ओन ग्रीफ हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योक दे सर्व हिम बेस्ट हिज स्टेट इज किंगली थाउजेंड्स एट हिज बाइंडिंग स्पीड एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट्स। ठीक है, तो ये जो लाइनें हैं, मतलब ये जो स्टेंजा लिया गया है, ये स्टेंजा जॉन मिल्टन द्वारा लिखा गया उनके एक पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस से लिया गया है। ठीक है, ये स्टेंजा ज़्यादातर एग्जामों में पूछा जाता है। ठीक है, तो यह पहला होता है। आइए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो आइए अब हम जॉन मिल्टन के नेक्स्ट कोटेशन को देखते हैं। डिजॉल्व मी इंटू इस एक्सटेसिस एंड ब्रिंग ऑल हेवन बिफोर माइन आइज। ठीक है, ये जो कोटेशन है यह जॉन मिल्टन ने अपने एक वर्क इल पेंसरेसो में लिखा था। ठीक है, जॉन मिल्टन ने एल पेंसरेसो और इल पेंसरेसो नामक दो पोएम लिखा था जिसमें उन्होंने इस कोटेशन को लिखा है, डिसॉल्व मी इनटू एक्सटेसिस एंड ब्रिंग ऑल हेवन बिफोर मी आइज माइन आइज। ठीक है, नेक्स्ट इनका जो कोटेशन है, ऑफ मैंस फर्स्ट डिसोबीडियंस एंड द फ्रूट ऑफ द फॉरबिडन ट्रीज हूज मॉर्टल टेस्ट ब्रॉट डेथ इनटू द वर्ल्ड्स एंड ऑल अवर वो हु विद लॉस ऑफ इडेन टिल वन ग्रेटर मैन रिस्टोर अस एंड रिगेन द ब्लिसफुल सीट। ठीक है, ये लाइन पैराडाइज बुक नंबर फर्स्ट से, मतलब ये जो लाइन है जॉन मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट के बुक नंबर फर्स्ट से लिया गया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कोटेशन है, व्हाट इन मी इज डार्क इल्यूमाइन व्हाट इज लॉ रेज एंड सपोर्ट। ये जो लाइन है पैराडाइज लॉस्ट के बुक फर्स्ट से ये भी लिया गया है जो जॉन मिल्टन ने लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट है, आई मे एसर्ट इटर्नल प्रोविडेंस एंड जस्टिफाई द वे ऑफ गॉड टू मैन। ये भी पैराडाइज लॉस्ट के बुक फर्स्ट से लिया गया है। नेक्स्ट जो कोटेशन है, व्हाट दाउ द फील्ड बी लॉस्ट ऑल इज नॉट लॉस्ट द अनक्वेवरेबल विल एंड स्टडी ऑफ रिवेंज इमॉर्टल हेट एंड करेज नेवर टू सबमिट और इल्ड एंड व्हाट इज इल्स नॉट टू बी ओवरकम। ठीक है, ये लाइन भी पैराडाइज लॉस्ट के बुक फर्स्ट से ही लिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो हमारा कोटेशन है वो है, टू बी वीक इज मिजरेबल डूइंग और सफरिंग। ये भी पैराडाइज लॉस्ट के बुक फर्स्ट से लिया गया। ठीक है, तो जॉन मिल्टन का ज़्यादातर जो कोटेशन है वो पैराडाइज लॉस्ट के बुक नंबर फर्स्ट से ही लिया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पे, द माइंड इज इट्स ओन प्लेस एंड इन इट्सेल्फ कैन मेक अ हेवन ऑफ हेल अ हेल ऑफ हेवन। ये लाइन को भी पैराडाइज लॉस्ट के बुक नंबर फर्स्ट से लिया गया है। टू रेन इज वर्थ एम्बिशन दाउ इन हेल बेटर टू रेन इन हेल एंड देन सर्व इन हेवन। ठीक है, इस लाइन को भी पैराडाइज लॉस्ट के बुक नंबर फर्स्ट में से लिया गया है और इस लाइन को शैतान ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट है, अवेक अराइज और बी फॉर एवर फॉलन। इसको भी पैराडाइज लॉस्ट के बुक नंबर फर्स्ट से लिया गया है। God is thy law, thou mine to know no more. Is woman happiest knowledge and her praise. इस लाइन को भी पैराडाइज लॉस्ट के बुक नंबर
फोर से लिया गया है, ठीक है। लाइफ इज सॉरी लाइफ इन कैप्टिविटी एमंग ह्यूमन फोर्सेस, इस लाइन को सैमसन एगोनिस्ट से लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट जो लाइन है, हिज सर्वेंट ही विद न्यू एक्विजिट ऑफ ट्रू एक्सपीरियंस फ्रॉम दिस ग्रेट इवेंट विद पीस एंड कंसोलेशन हैथ डिसमिस्ड एंड काम ऑफ माइंड ऑल पैसन स्पेंड्स, इस लाइन को सैमसन एगोनिस्ट से लिया गया है। नेक्स्ट हमारा लाइन है जो जस्ट आर वी, देखिए जस्ट आर द वे ऑफ गॉड एंड जस्टिफाइबल टू मैन अनलेस देयर बी हू थिंक नॉट ऑफ गॉड एट ऑल इफ एनी द वॉक ऑब्सक्योर फॉर ऑफ सच डॉक्ट्रिन नेवर वॉज दियर स्कूल बट द आर्ट ऑफ द फूल एंड नो मैन देयर इन डॉक्टर बट हिमसेल्फ, ठीक है। ये जो लाइन है सैमसन एगोनिस्ट से लिया गया है और यह जॉन मिल्टन द्वारा लिखा गया वर्क है, ठीक है, सैमसन एगोनिस्ट। उसके बाद आगे है व्हेन नाइट डार्कनेस द स्ट्रीट व्हेन देन वंडर फोर्थ ऑन सन्स ऑफ बेलियल फ्लोन विद इंसोलेंस एंड विन वाइन, ठीक है। इस लाइन को भी पैराडाइज लॉस्ट के बुक फर्स्ट से लिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं लेट नन एडमायर दैट रिचेस ग्रो इन हेल दैट सोयल मे बेस्ट डिजर्व द प्रीसियस बेन, इस लाइन को भी पैराडाइज लॉस्ट के बुक फर्स्ट से लिया गया है। अनएग्जाम्पल्ड लव लव नाउ वेयर टू बी फाउंड लेस देन डिवाइन, इस लाइन को पैराडाइज लॉस्ट के थर्ड बुक से लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं टू नो एंड नोइंग वर्शिप गॉड ऑल राइट इज एट मोर किंगली दिस अट्रैक्ट द सोयल गवर्न्स द इनर मैन द नोबल पार्ट दैट अदर ऑब्जर्व द बॉडी वनली, ठीक है। इस लाइन को भी जॉन मिल्टन के पैराडाइज रिगेन से लिया गया, ठीक है। पैराडाइज लॉस्ट के बाद जॉन मिल्टन ने पैराडाइज रिगेन लिखा था, उससे इस वर्क लाइन को लिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा कोटेशन है बी एवर ऑन इटसेल्फ सेल बैक रिक्वायल एंड मिक्स नो मोर विद गुडनेस, ठीक है। यह कॉमर्स से लिया गया है। जॉन मिल्टन का यह जो कॉमर्स नामक वर्क है ये मास्क माना भी जाता है, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट देखते हैं हम वर्च्यू में बी एसेल्ड बट नेवर हर्ट सरप्राइज्ड बाय अनजस्ट फोर्स बट डिड नॉट इंथ्रोल्ड, ठीक है। इसको भी कॉमर्स से लिया गया है जो जॉन मिल्टन ने लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जॉन मिल्टन द्वारा लिखा गया उनके बहुत ही फेमस वर्क के पॉपुलर कोटेशन को हमने देखा, ठीक है। उसके बाद हम जॉन गल्सवर्दी के फेमस कोटेशन को पढ़ेंगे। ओके बाय।